बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के लिए बिहार के नौबतपुर जिस जगह पर यानी ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं, जहां से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा प्रवचन करेंगे। हम तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरों में यहां कलश रखा हुआ है, महिलाएं जिधर आप देखिए दूर दूर तक महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। और एक श्रद्धा है जो बागेश्वर बाबा का जो प्रवचन होने वाला है इस जगह पे लोग कलश देखिए किस तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में कलश लोग लेकर महिलाएं यहाँ तक पहुंची है। पहले ये तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि विहंगम दृश्य है जिसमें महिलाओं को देखिए सर के ऊपर कलश लेकर लोग आ रहे हैं। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पहुँचते हैं कलश लेकर। हम इनसे जानते हैं पहले, ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं आप? नालंदा जिला से आ रहे हैं। कलश कहाँ से लेके आ रहे हैं? नौबतपुर से। क्या श्रद्धा है जी? बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग आए हैं कलश यात्रा में जी, श्री सीताराम। क्या मन में क्या रहता है, भावना क्या रहता है? भावना जागा है हम लोगों को, ये जो जो बागेश्वर धाम से गुरु जी आ रहे हैं, बहुत इच्छा प्रकट थी कि हमारे बिहार राज्य में आए। और हम लोग बहुत देर से हम लोग इंतजार भी कर रहे थे, आज हम लोग का कलश उठाव था जो हम लोग सारी महिलाओं ने भाग लिया इस कलश यात्रा में बहुत उत्साह और लगन के साथ। सर पे कलश लेके जब महिलाएं चलती है, बागेश्वर बाबा को इससे पहले कभी आप लोगों ने देखा है नजदीक से? देखे हैं, गए थे टीवी पर देखे। क्या लगता है कि ये जो कलश है एक श्रद्धा के साथ आप लोग काफी किलोमीटर से यहाँ पहुँचते हैं, क्या इस यज्ञ में शामिल होने के लिए सब कुछ हो रहा है? दर्शन पाने के लिए हम लोग बेचैन थे, अब हम लोग धरती उदय हो गया। आज हम लोग उनको प्रांगण में आके उनको कलश लेके नौबतपुर से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितना किलोमीटर सफर किया पैदल आपने? दो किलोमीटर। 2 से 4 किलोमीटर हर वो महिलाएं अपने सर के ऊपर कलश लेकर इस तरह से कलश लेकर चल रही है। कहाँ से आई है? भागलपुर से है। हम लोग भागलपुर से आए हैं। आप समझिए जिस बागेश्वर बाबा को लेकर सियासत चल रही है पूरे देश दुनिया में, चाहे उनकी जो प्रशंसक हैं वो इस तरीके से कलश लेके 10-20 किलोमीटर से लोग आते हैं, जो उनके आलोचक है यानी जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, वैसे वो लोग जो धीरेन्द्र राज शास्त्री जो है उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको भी ये देखना चाहिए किस तरह की भावना जो लोग यहाँ से कलश लेकर पहुँचते हैं यानी बाबा के दर्शन के लिए इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बहुत सुंदर तस्वीर हम इधर भी दिखाते हैं किस तरीके से जय श्री राम को उद्घोषणा करते हुए लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये जो दृश्य है ये बताता है कि किस तरीके से जो बागेश्वर बाबा है उनकी श्रद्धा जो है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, इसके लिए लोग यहाँ जुटे हैं। और ये दृश्य है तरेत मठ का, उस तरेत मठ का जहाँ 5 दिनों तक बाबा लगातार यहाँ प्रवचन करेंगे। और महिलाएं इस तरीके से कोई नालंदा से, कोई भागलपुर से, कई जगहों से महिलाएं यहाँ पर लेकर पहुंची हैं, हाथों में कलश लेकर पहुंची हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, बागेश्वर बाबा को लेकर सियासत चल रही है, इस बीच में महिलाओं के अंदर जो श्रद्धा है इस यज्ञ में, इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर पे कलश लेके, तो ये दृश्य भी उन लोगों को देखना बेहद जरूरी है जो हर मौकों पर सियासत करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ विंग भारत।